अब आप इस तरह का कंटेनर या कोई भी बर्तन लें और उसके अंदर इस अचार को आप स्टोर करके रख सकते हैं लंबे समय तक। हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिली रेसिपी पे। गर्मियाँ आ गई हैं तो मैं वेट कर रही थी कटहल का। पिछले साल मैंने मिस कर दिया था तो पके हुए कटहल मिलने लगे थे। इनफैक्ट यहाँ मिलते ही नहीं है गंगानगर के मार्केट में, तो इस बार मुझे मिल गया है। तो कई सारी बैक टू बैक रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी कटहल की, क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस सब्जी भी होती है और फल भी होता है। तो रेसिपी को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा और बने रहिए मेरे चैनल पर इसी तरह, और इसी तरह अपना सपोर्ट और प्यार मुझे देते रहे। शुरू करते हैं रेसिपी को। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। और यहाँ पर मुझे एक नया बटन मिला है, थैंक्स बटन, आप मुझे वहाँ पर सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं कटहल का अचार। अभी हमें कटहल को पकाना है, तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रख दिया, इसके ऊपर इस तरह से ये छन्नी रख दी है और उसमें हम जिस कटहल का हमने अचार बनाना है उसको भाप में पकाएंगे। डायरेक्ट नहीं पकाएंगे, बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो उस वजह से क्या होगा, इसे सूखने में समय लगेगा और अगर इसमें ज़्यादा नमी रह गई तो अचार लंबा नहीं चलेगा। तो इस तरह से जाली के ऊपर या इडली कुकर में कैसे भी आप इसको भाप में पका लें। और ध्यान रखें इसे पूरा नहीं पकाना है, लगभग 60 से 70%, मतलब हल्का नरम हो जाए तब तक इसको पकाना है। तो अब इसे ढक देंगे और बीच बीच में से इसको उलट पलट करके हिला करके अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो जब तक कटहल पक रहा है तब तक हम कुछ मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिक से मसाले जाएंगे। 1 चम्मच लेंगे हम साबुत धनिया, 2 चम्मच डालेंगे सौंफ, 2 चम्मच ही पीली सरसों या राई आप ले सकते हैं, आप काली राई भी ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो, और 1 चम्मच इसमें ज़ीरा, 1 चम्मच मेथी दाना, 10 से 15 सूखी लाल मिर्च और 3 नींबू जो नॉर्मल साइज़ के हैं उनका रस हम लेंगे। आप चाहें तो इसमें सिरका डाल सकते हैं, आप चाहें तो आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। उसके अलावा इसमें डालेंगे हम लहसुन की कलियाँ जो लगभग 100 ग्राम करीब है, और थोड़े से सिंपल मसाले, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, मैंने देगी मिर्च ली है, 1 चम्मच साधारण नमक, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच सौंठ पाउडर जिसे बेसिकली अदरक का पाउडर कहा जाता है, और 1/4 चम्मच लेंगे इसमें हींग पाउडर। तो जब तक कटहल पक रहा है तो कुछ अंगारों पर हम कढ़ाई को हल्का सा गर्म कर लेंगे और सभी मसालों को हल्का हल्का हम रोस्ट करेंगे ताकि इनके बीच की नमी जो है वो निकल जाए। तो सबसे पहले इस कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा और उसी के साथ हम डाल देंगे पीली सरसों 2 चम्मच और इसी के साथ 1 चम्मच साबुत धनिया, और इनको हिलाते भी रहना है हल्का हल्का, और हल्की सी आंच है तो आसानी से इसमें ये रोस्ट हो जाएंगे। और इसी के साथ आप डालें सौंफ, सौंफ डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच, और आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर पसंद है सौंफ का। अब इसी कढ़ाई में हम मिर्ची को 2-2 टुकड़े करके तोड़ लेंगे और इनको हल्का सा नमी निकालने के लिए रोस्ट करना है, हमें इसे कूटना पीसना कुछ भी नहीं है। अब जैसे मिर्ची रोस्ट हो जाएगी तो स्मेल उठने लगेगी तो आप इन्हें फटाफट निकाल लें अदरवाइज ये जल जाएंगी। तो मसालों को पीसते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप मिक्सी में पीस रहे हैं तो जो मेथी दाना है उसको अलग से रोस्ट करें और उसे पीसे नहीं, उसे साबुत ही डालें, नहीं तो इससे अचार में कड़वाहट आ जाएगी। जब लकड़ी के या फिर इस तरह से पत्थर के कुंडी के अंदर हम इसे पीसते हैं तो नॉर्मली आप देखेंगे कि मेथी के ये जो दाने हैं देखिए बिल्कुल साबुत रह जाते हैं, टूटते नहीं हैं, तो कड़वाहट आने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो हमारा ये कटहल रेडी हो चुका है, मैंने आँच कम कर दी थी, इसमें सॉफ्ट हो चुका है काफ़ी। तब इसे आँच से हटा लेंगे और इसको थोड़ा सा मसाले मिलाएंगे और अब इसे हम ऐसे एक परात या बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये जितने भी हमने सूखे मसाले लिए थे, हींग, सौंठ पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक, हल्दी और मिर्च, तो इनको सबको इसके ऊपर डाल देंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। और ध्यान रखें कटहल को पहले थोड़ा ठंडा कर लें। तो इन सारे मसालों को कोट करके कटहल को अब हमें 2 से 2.5 घंटे धूप में डाल देना है इसी तरह से, ताकि नमी सूख जाए और मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर लग जाएं। उसके बाद हम बाकी की प्रोसेस करेंगे। तो अभी कटहल को हम रख देंगे धूप में सूखने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे, ताकि ये अच्छे से सूख जाए और बीच बीच में इसे हिलाते भी रहना है तो नमी गर्मी के मौसम में आसानी से सूख जाएगी। तो ये अच्छे तरह से सूख चुके हैं, बिल्कुल नमी निकल चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे रोस्ट करी हुई हमारी सूखी लाल मिर्च
और इसी के साथ ये लहसुन की कलियाँ इसके अंदर डाल देंगे और जो हमने दरदरा मसाला पीसा था उसी को भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे और इसी के साथ नींबू का रस इसमें मिला देंगे और सरसों का तेल जो हमने गरम किया था ठंडा हो चुका है उसे भी मिला देना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें तेल और मसालों के साथ। अब इसमें एक चम्मच ऊपर से हम हल्दी पाउडर डालेंगे और इसी के साथ हम स्वाद अनुसार और प्रिजर्वेटिव के हिसाब से दो चम्मच इसमें नमक डालेंगे। तीखापन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको लगे आवश्यकता तो आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और पहले ही हमने इसमें देगी मिर्च डाल दी थी तो उसके अलावा हमने सूखी मिर्च भी डाली है तो मैं इसमें मिर्च और नहीं डाल रही हूँ। तो नमक के साथ इसे करना है बढ़िया से मिक्स। अब आप इस तरह का कंटेनर या कोई भी बर्तन लें और उसके अंदर इस अचार को आप स्टोर करके रख सकते हैं लंबे समय तक। तो अचार को अच्छे तरीके से भर देना है और अब इसमें सुरक्षित इसको लंबे समय तक रखने के लिए और तेल डालेंगे। तो जो मैंने गरम करके ठंडा कर लिया है तो ऊपर से तेल डाल दें। इसे दो दिन तक हमें रखना है और उसके बाद इसे आराम से आप इंजॉय कर सकते हैं। इसे आप तुरंत भी खा सकते हैं क्योंकि कटहल पर्याप्त रूप से पका हुआ है, लेकिन इसका ओरिजिनल अगर आपको टेस्ट चाहिए तो उसे दो तीन दिन बाद आप ट्राई करें। तो लीजिए फ्रेंड्स, एकदम चटपटा तैयार है जायकेदार मसालेदार कटहल का अचार। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बहुत अच्छी बनती है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे अपना सपोर्ट दें, अपना प्यार इसी तरह से देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।